इनकी शादी के कितने दिन हो गए? 5 6 6 साल हो गए हैं शायद। 6 साल हो गए, 1992 के इनके जन्म है, 32 साल इनकी उम्र हो गई। अभी तक इनको चाइल्ड बर्थ नहीं है। आपको जानना है कि इनको चाइल्ड बर्थ कब होगा, यही क्वेश्चन है ना आपका। जी चलिए, इनकी कुंडली में 5वां कस्पल सब लॉर्ड है मून, ठीक है। अभी हम मून को देखेंगे ही, लेकिन मून के हम पहले क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए इनके जन्म समय को पहले करते हैं। जब 1 मिनट इनका जन्म समय हम पीछे करते हैं, तो इनका 5वां कस्पल सब लॉर्ड होता है सन, ठीक है। अब मैंने क्यों 5वां कस्पल सब लॉर्ड, एक मैंने टाइम इनके 1 मिनट पहले किया। आगे आप रूलिंग प्लैनेट पढ़ेंगे, क्योंकि इस कुंडली में आपको कंक्लूजन तक पहुंचना है। ये जो रूलिंग प्लैनेट दिया हुआ है ना, इस रूलिंग प्लैनेट में कहीं भी मून नहीं आ रहा है। देख रही हैं यहाँ पे नीचे ट्रायंगल वाले में, देखिए कहीं भी मून नहीं है, और यहाँ सन दिया हुआ है। मून के पहले सन आता है और 1992 का जन्म है, तो पॉसिबिलिटी 1 मिनट के जन्म समय का बनता है, बन सकता है। समझ रही हैं टाइम को, वो बाद का छोड़िए, तो अभी भी इधर भी बन सकता है। इधर भी क्यों बन सकता है कि जैसे हॉस्पिटल में ही डिलीवरी होती है, यदि ऐसा कई बार होता है, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है या ऑपरेशन के द्वारा ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, तो डॉक्टर की प्रायोरिटी आपके बर्थ टाइम को नोट करना नहीं है, पेशेंट को सही करना है ना, वो प्रॉब्लम्स ना हो। समझ रही बात? तो इसलिए ये चीजें पॉसिबल हैं, हो सकती हैं आज के समय में भी, कुछ केसेस में, हर एक केस की बात नहीं बोला, कुछ केस में। और ये तो खैर 30 32 साल पहले का बात है, तो 1 मिनट पहले जब हम करते हैं, तो ये इनका 5वां कस्पल सब लॉर्ड सन बन जाता है, और ये हमारे रूलिंग प्लेनेट में मौजूद है, ठीक है। तो अब वैसे मून के सर द्वारा भी एक हम चेक कर मिनट, लेंगे। एक ये सन को आपने इधर क्यों किया? रूलिंग प्लेनेट में सन आपने क्या था पहले? यहां आपको ये दिखा हाँ, सन? रूलिंग प्लेनेट जो होता है, जब हम कुंडली देखने बैठते हैं, तो वो हमारे लिए एक हेल्प का काम करता है, एक इंडिकेशन होता है। तो नॉर्मली जो आपका प्रश्न था, डायरेक्ट एक ही प्रश्न था चाइल्ड बर्थ के लिए, तो चाइल्ड बर्थ के लिए हमें कुंडली का 5वां कस्पल सब लॉर्ड देखना है। तो ये 5वां कस्पल सब लॉर्ड जो है, वो यहाँ पे मून था 7:38 पे, लेकिन वो मून इस रूलिंग प्लेनेट में नहीं था। ठीक है जब ठीक 1 मिनट हम पहले करते हैं, तो सन आ जाता है, जो कि इस रूलिंग प्लेनेट में है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ फिर आपको कहूँगा कि सिर्फ रूलिंग प्लेनेट के बेस पे जज नहीं करना है। यदि वो क्लाइंट मेरे सामने होता, ठीक है, जैसे मैं कंसल्टेशन देने के समय करता हूँ, तो मैं और भी जो हाउसेज है ना, इससे रिलेटेड जो प्रिडिक्शन होती है, वो उससे पूछ के मैच करता, ठीक है। एक इंडिकेशन यहाँ से हो गया, लेकिन ये फाइनल नहीं है। फाइनल यही है कि क्या उससे वो प्रिडिक्शन मैच हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब एक इंडिकेशन है, उसके साथ साथ ये प्रिडिक्शन करेगा, ठीक। तो यहाँ हम 5वां कस्पल सब लॉर्ड जो पहले मून बना था, मून के हिसाब से भी प्रॉमिस देख लेते हैं, और सन के हिसाब से भी देख लेते हैं। 5वां कस्पल सब लॉर्ड जब मून होता, तो मून यहाँ पे 1 5 का रिजल्ट दे रहा है, और स्टार लेवल पे वीनस 4 11 12 का दे रहा है, और सब लॉर्ड स्तर पे जुपिटर 2 6 9 का रिजल्ट दे रहा है। तो जब हम मून को मानते हैं, उस मून के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 एंड 5 में 5 जो वो पॉजिटिव है, 4 11 12 में 4 निगेटिव है, 11 पॉजिटिव है, और 12th जो है वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों का स्ट्रेंथ रख के चलता है चाइल्ड बर्थ वाले सिचुएशन में। क्योंकि यदि IVF वगैरह कराना होगा, तो 12वां उसके लिए सपोर्टिव हो जाता है। सब लॉर्ड स्तर पे आते हैं, तो इसमें दूसरा भाव सपोर्टिव हो जाता है, 9वां सपोर्टिव हो जाता है, और 6ठा न्यूट्रल होता है। कोई प्रॉब्लम की वैसे बात भी सर अगर IVF ना हो, अगर सिजेरियन भी हो तो भी 3 4 दिन तो नहीं। हाँ हॉस्पिटलाइजेशन, हाँ तब भी हो जाती है। मिनिमम 4 डेज तो रखते ही हैं वो। हाँ, तो जब आप 5वां कस्पल सब लॉर्ड मून लेते हैं, तो भी चाइल्ड बर्थ इनकी प्रॉमिस हो रही है, लेकिन 4 के कारण प्रॉब्लम होगा, हाँ जी चौथे भाव के कारण प्रॉब्लम दिख रही है। यदि 5वां कस्पल सब लॉर्ड हम सन लेते हैं, तो सन के केस में ये 2 12 का रिजल्ट दे रहा है, स्टार स्तर पे जुपिटर 2 6 9 का रिजल्ट दे रहा है, और सब लॉर्ड स्तर पे वीनस इसमें 4 11 12 दे रहा है। अब इसमें जो मेनली पंचम भाव है ना, वो इसमें मिसिंग हो गया। हम्म इसमें सेकंड सपोर्टिव है,
12वां भाव जो वहीं फिर निगेटिव पॉजिटिव दोनों रखता है। चलिए 5 जब नहीं है तो 4 के लिए वो निगेटिव के तौर पे ज़्यादा काम करेगा। स्टार स्तर पे आएंगे तो दूसरा भाव और 9वां भाव सपोर्टिव होता है, 6ठा न्यूट्रल होता है। सब लॉर्ड स्तर पे आएंगे तो वीनस में चौथा जो निगेटिव भाव है वो चौथे का रिजल्ट दे रहा होता है, 11 और 12 का भी रिजल्ट दे रहा है। वीनस वैसे बैठा कहाँ है? वीनस बैठा है 12वें भाव में। तो वीनस जो 4, 11, 12 का रिजल्ट दे रहा है, इसमें चौथे भाव में इसकी राशि है, तो इस राशि में कोई भी प्लेनेट नहीं है, इसका भी स्ट्रांग रिजल्ट देगा। 12वें में जहाँ बैठा है उसका भी स्ट्रांग रिजल्ट देगा, और 11वें में केतु है तो इसका ये वीक रिजल्ट देगा। समझ में आ रहा है? इसका रिजल्ट ही वीक देगा, तो यानी 11वें भाव की स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो गई, 4 और 12 ही ज़्यादा पावरफुल हो गए। क्लियर है? स्टार पर स्थल पंचम में भी वैसे इनके 2 ग्रह बैठे हैं, तो वो भी तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे सकते हैं ना। नहीं, अब इस कस्पल सब लॉर्ड के बेस पे तो निगेटिव हो जा रही है ना, अच्छा ठीक है। कस्पल सब लॉर्ड तो यहाँ निगेटिव हो गया। यदि सन होता है तो सन तो यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट निगेटिव हो गया। अब इसमें मून यदि होता है तो कुछ प्रायोरिटी है, लेकिन सन होने पे बिना 5वें की ऑलमोस्ट निगेटिव हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, अब एक चीज और होता है कि 11वां कस्पल सब लॉर्ड हम देखते हैं, 11वां कस्पल सब लॉर्ड इनकी कुंडली में बना हुआ है, वो बना हुआ है वीनस। अब 11वां कस्पल सब लॉर्ड वीनस में 4, 11, 12 है, 6, 7, 8 है, 3, 12 है, इसमें भी पंचम भाव इसमें नहीं है, पांचवा इसमें से निकल चुका है, गायब है, तो इसलिए चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी बड़ा मुश्किल है इनके चार्ट के हिसाब से। 5वें में जो प्लेनेट बैठे हैं यदि उनको आप लेते हैं, तो मून और राहु बैठे हुए हैं, तो मून में तो 5 है, और जो राहु को देखते हैं तो राहु में भी प्लेनेट स्टार सब लॉर्ड स्तर पे 5 है, यानी जो प्लेनेट बैठे हुए हैं उसमें राहु सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है इस चाइल्ड बर्थ के प्रॉमिस का। राहु जब पंचम में बैठता है या 5वें का रिजल्ट देता है तो ये साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी बनाता है कि जो मेडिकल इश्यूज खासकर जो होते हैं, एक तो पंचम भाव से हम रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो एक बार कोई ना कोई मिसकैरेज किसी ना किसी कारणवश मिसकैरेज कराता है वाला। दूसरा जो होता है, जो मेडिकल इश्यूज होते हैं वो नॉर्मली डॉक्टर को पकड़ में नहीं आते, जो प्रथमेश जी की वाइफ के केस में भी यही था, तो मैंने उनको कहा था कि आप किसी भी एक डॉक्टर के ओपिनियन पे मत रुक जाना, आप 4-5 डॉक्टर से दिखाना, तो यही हुआ, वो 4-5 डॉक्टर से मिले और एक डॉक्टर उनको काफ़ी अच्छा मतलब मिल गए, जिनके ट्रीटमेंट के बाद वो कंसीव हुआ है, देखिए आगे क्या होता है। तो वो राहु के केस में ये बहुत से चार्ट में दिखता है, तो यदि इनको मेडिकल इश्यूज होगा तो ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा कि एक डॉक्टर के बात पे आपको रुकना नहीं है, आपको अलग अलग डॉक्टर से ओपिनियन लेने हैं, क्योंकि राहु क्या करता है, मिसगाइड करता है। तो ये पंचम में प्लेनेट बैठा है राहु, ये स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है चाइल्ड बर्थ के परस्पेक्टिव में, लेकिन यहाँ पे कस्पल सब लॉर्ड के माध्यम से पूरा का पूरा निगेटिव हो जा रहा है, जो कि रिजल्ट देता हुआ नहीं दिख रहा है। समझ रही हैं? ये चीज़ें काफ़ी वीक हो जा रही हैं इनके चार्ट से। सर दशा इनकी आप देखोगे दशाओं के हिसाब से? दशा इनकी चल रही है मार्स की 5/12/2024 तक, इस मार्स के बाद आएगा राहु की दशा। 5/12/2024 तक जो है मार्स की दशा, मार्स जो है देखिए रिजल्ट दे रहा है 5/10 का, 2/12 का, 1/5 का, मार्स तो कम्प्लीटली ही पॉजिटिव है, हाँ जी। प्लेनेट स्तर पे भी, स्टार पे भी 2 है, सब लॉर्ड स्तर पे भी 5 है, और मार्स की दशा जो है वो आपको इनकी चालू हुई है, कब से चालू हुई है एक मिनट, वो चालू हुई है 2017 से। अच्छा, तो अभी तक तो नहीं हुआ था, 2 महीने 1 महीना पहले तक तो। 17 से चालू है, 17 से 24 बड़ा मुश्किल है। समझ रही हैं? अब एक चीज और है इनके मतलब केपी के हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जन्म कुंडली के हिसाब से ऑब्जर्वेशन ना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप इनसे प्रश्न कुंडली लेके भी चेक कर सकते हैं, यदि प्रश्न कुंडली में यश निकलता है,
इनके जन्म कुंडली से एक मैटर ये निकल के आता है कि राहु की जो दशा दिसंबर में स्टार्ट होगी, महादशा, राहु में राहु रहेगा, तो वो राहु में राहु दोनों ही पॉजिटिव है, और अभी ट्रांजिट में जुपिटर यहाँ पे है, 2 नंबर राशि में। ये 2 नंबर राशि में जो जुपिटर है, ये अपना दृष्टि डालेगा सप्तम भाव पे, नहीं, पंचम पंचम भाव पे, ठीक है? तो ये चाइल्ड बर्थ का होता है। तो ये चीज जो इनके लिए दिसंबर 2024 से लेके मई 2025 के बीच का जो समय है, और राहु इस समय के रूलिंग प्लेनेट भी में भी मौजूद है, जुपिटर जो है वो भी रूलिंग में मौजूद है, तो ये चीज जो 4 महीने का टाइम होगा, 5 महीने का, इस बीच में यदि प्रश्न कुंडली पॉजिटिव होती है, तो यही 5 महीने का टाइम पीरियड है जिसमें यदि कंसीव हो गया तो फिर हो जाएगा, अदरवाइज इस कुंडली का अभी के हिसाब से फिर ना है। क्लियर है? सर, इनके हस्बैंड का भी है, वो देखना आपको एक नजर हस्बैंड एक के चार्ट हम देख सकते हैं, लेकिन हस्बैंड के चार्ट का विशेष कोई रोल होता नहीं है, लेकिन बोलिए पर है तो आप देख लो। बोलिए, डिटेल्स बोलिए। 17 जून 1988 17 जून 1988, जी, 15:43 PM लुधियाना पंजाब। इनका जो पांचवा कस्पल सब लॉर्ड है वो है जुपिटर, ठीक है? कैसे पता चल जाता है सर यहीं से? अच्छा अरे लिखा नहीं है सब लॉर्ड वाले कॉलम में, पांच ठीक, आठ 11, पांचवा सब लॉर्ड जुपिटर है जो कि रिजल्ट दे रहा है 3 6 7 का स्टार लेवल पे, सन 8 11 का, सब लॉर्ड स्तर पे राहु 2 4 5 7 का। इसमें राहु इनके पंचम भाव में ही बैठा हुआ है, इनके भी पांचवे में बैठा हुआ है, यानी राहु अच्छा पांचवे का स्ट्रांग रिजल्ट देगा, दे तो रहा है। इनके चार्ट से 5 और 11, 2 5 11 जो है वो कॉम्बिनेशन पॉजिटिव वाले आ गए, और 4 और 8 निगेटिव वाले आ गए, ठीक है? तो 4 और 8 जब निगेटिव वाले आ गए तो ये नुकसान के हैं, और नॉर्मली मेल के चार्ट में पहला कस्पल सब लॉर्ड या पांचवा कस्पल सब लॉर्ड में 4 8 4 10 1 4 10 ये वीक इम्यूनिटी को, स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम को बताते हैं। इनका पहला कस्पल सब लॉर्ड केतु है, इसमें 1 8 भी है और 4 भी है, और पांचवे कस्पल सब लॉर्ड में भी 4 और 8 भी है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि मेडिकली कहीं इनको प्रॉब्लम हो, ठीक है? इनकी चार्ट से तो प्रॉमिस ऑफ इवेंट दिख रहा है, लेकिन साथ साथ प्रॉब्लम्स भी दिख रहे हैं, क्लियर है? अब इनके चार्ट से हम बात करें कि यदि टाइमिंग के हिसाब से जो इनकी दशा चल रही है, तो इनकी जो दशा चल रही है वो दशा चल रही है केतु की, ये चलेगा केतु दशा 26 सितंबर को खत्म हो जाएगी, उसके बाद वीनस चालू होगा, तो 26 सितंबर का तो मैटर छोड़ ही दीजिए, वीनस जो चालू होगा वो वीनस दे रहा 18257 2457, वीनस की दशा पॉजिटिव है चाइल्ड बर्थ के लिए, वीनस की महादशा में वीनस की अंतर दशा होगी वो इनके लिए पॉजिटिव हो पॉजिटिव। जाएगी, क्लियर है? तो इनकी अपनी जो महादशा है अंतर दशा वो इनके लिए फेवरेबल है, पंचम भाव काफी स्ट्रांग है, समझ रही हैं? तो और जो इस समय जुपिटर इनके 2 नंबर राशि में ट्रांजिट कर रहा है वो महादशा स्वामी यानी वीनस के साथ में आ जाएगा, तो वही टाइम जो इनकी वाइफ के चार्ट से निकला है बेसिकली कंसीव उनको करना है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वहीं दिसंबर 2024 से मई 2025 वाला जो टाइम है तो वो इनके चार्ट से भी यदि देखते हैं, चूंकि इनमें तो प्रॉमिस ऑफ इवेंट दिख रहा है, तो संभावना बनती है कि ये समय उनके लिए फेवरेबल हो जाए, और जो राहु है ये राहु भी रूलिंग प्लेनेट में है, और साथ साथ जो वीनस है यानी जो इनकी महादशा चालू होगा वो भी रूलिंग प्लेनेट में है, अभी की जो
महादशा केतु है वो इस समय के रूलिंग प्लेनेट में नहीं है, तो इसलिए इस केतु का तो सितंबर तक, जहाँ तक मैं समझता हूँ, नहीं होगा। तो वीनस की महादशा और वीनस की जो अंतरदशा होगी वो इनके लिए एक फेवरेबल फैक्टर हो सकता है। तो टाइमिंग हम उसी के लेडीज के चार्ट के अनुसार ही जाएंगे, दिसंबर से लेके मई तक। क्लियर है? आप सर ये जो रूलिंग प्लैनेट्स का बोल रहे हो, राहु केतु, ये मुझे नहीं समझ आता अभी। क्यों आएगा समझ में? अभी है, अभी आप 5 क्लास में, फिर 8 में जाएंगी, फिर 10th में अच्छा जाएंगी, 12th में ठीक जाएंगी, धीरे धीरे मिलेगा। अभी है। कहाँ हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका ये था ना हाँ नहीं, जब मैं बाद रूलिंग में सुनूंगी तो मैं यहां से कुछ उसको ना कोऑर्डिनेट प्लेनेट आप करके। हाँ पढ़ेंगी तो उस समय ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी हाँ जी, तब वो जब ये वीडियो दोबारा देखेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। सिर्फ रूलिंग प्लेनेट बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए बताई मैं। जहाँ तक क्लियर है जी मोहन जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं जेंट्स के चार्ट में सन और राहु का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा होता है तो नॉर्मली चाइल्ड बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। नॉर्मली, ये कोई फाइनली नहीं बोल रहा हूँ, हाउसेज भी देख सकते हैं। ये 3/7/11 का जो ड्राइंग बनेगा ना, ये 3/7/11 राशियों के हिसाब से सन के साथ राहु का संबंध बन गया। समझ रही हैं? सन 2 डिग्री का है और राहु 23 डिग्री का है, तो सन का मूवमेंट राहु की तरफ ही होगा, तो बेसिकली ये भी एक प्रॉब्लम का है। साथ ही साथ राहु पंचम और नवम भाव में जो होता है ये भी चाइल्ड बर्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। राहु का 5वें और 9वें भाव में होना ये एक तरह से पितृ दोष को बताता है। तो मेल की चार्ट में पितृ दोष होना चाइल्ड बर्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। पितृ दोष केपी एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है लाल किताब का। लेकिन कॉन्सेप्ट केपी का नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आदमी के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं होता। समझ रही हैं? वो इम्पैक्ट होता है। जैसे जो भी चीज़ें हैं, आप चावल दाल रोटी सब्जी जो खाते हैं, सबका इम्पैक्ट है। अब कीवी फल इंडिया में नहीं होता है, वो न्यूजीलैंड से आता है, लेकिन यहाँ पे खाएंगे तो उसका इम्पैक्ट तो होता ही है ना शरीर में। तो बस वही बात है, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें इसलिए बताता हूँ कि मुझे सीखने के बाद जिस चीज़ में 4-5 साल लग गया, 6 साल समय लग गया, तो वो आप इस सीखने के दौरान ये चीज़ को समझ लें। पृथ्वी जी की जो चार्ट हम समझेंगे उसमें मैंने, जब ऐसे ही बातचीत हमारी हो रही थी, तो मैंने उनको उनके घर में, नॉर्थ में शायद किचन है या नॉर्थ में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में किचन है, ऐसे ही कुछ है। तो वो जैसे बातचीत हो रही थी तो मैंने उनको कहा कि प्रथमेश जी, अपनी वाइफ को या तो इस घर को आप चेंज कर लो या फिर अपनी वाइफ को मायके भेज दो, क्योंकि यहाँ रहते हुए बड़ा मुश्किल है। अब वही है अभी सिचुएशन, वो प्रॉब्लम में आ गए, वाइफ उनकी एडमिट है, मे बी 5 महीने का बच्चा है, कंसीव हुआ है, वो रहता है, या फिर एबॉर्ट कराना पड़ता है। आगे जब उनसे बातचीत होगी तो फिर और क्लियर हो के आएगा, आगे क्लास में जुड़ेंगे तो हम डिस्कस भी करेंगे। अब यहाँ वास्तु भी फैक्टर होता है, आप जिस घर में हैं, जैसे एक भी निगेटिव कॉम्बिनेशन आपको दिख गया चाइल्ड बर्थ के लिए, जो 4, 8, 12 निगेटिव कॉम्बिनेशन होते हैं, यदि एक भी आ गया और वास्तु में प्रॉब्लम है, उस वास्तु में आप रह रहे हैं, तो ये अवश्य हम भावी बना देते हैं एक तरह से। 90% वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो जाती है। समझ रही है? तो ऐसा होता है। तो यही चीज, ये प्रैक्टिकल वे में मैंने आपको बताई इस कुंडली का। ठीक है? जी